Hello students, आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग 107 में से एक टॉपिक लेंगे टाइप्स ऑफ लाइन एंड देयर यूजेस। क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो शुरुआत होती है वो लाइन्स से ही हम शुरुआत करते हैं। कोई भी ड्राइंग बनती है तो उसकी जो स्टार्टिंग होती है वो बिंदु से होती है और बिंदु को जोड़ जोड़ के हम लाइन बनाते हैं। तो लाइन्स से हम शुरुआत करते हैं किसी भी ड्राइंग की। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो लाइन्स हम खींचते हैं वो भी एक भाषा होती है, क्योंकि ड्राइंग जो है, इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो इंजीनियर की लैंग्वेज है। इंजीनियर अपनी बात एक लाइन या एक ड्राइंग के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से दूसरे व्यक्ति को समझा सकता है। किसी भी वस्तु को हम ड्राइंग और ड्राइंग के अंदर भी रेखाओं द्वारा ही प्रदर्शित करते हैं। ड्राइंग में प्रत्येक रेखा का अपना विशेष महत्व होता है। जो भी हम रेखा खींचते हैं वो किसी न किसी पर्पस के लिए खींची जाती है, उसका कुछ ना कुछ महत्व होता है। अगर हम उन रेखाओं को ही सीधी ना खींचें, टेढ़ी खींच दें या उनको प्रॉपर माप के अनुसार ना खींच के छोटी या बड़ी या किसी एंगल पर अगर हमको लाइन खींचनी है एंगल पर ना खींच के किसी और एंगल पर खींच दें तो उससे पूरी ड्राइंग जो है हमारी बिगड़ जाती है या खराब हो जाती है। इसीलिए हमें जो ड्राइंग के अंदर विभिन्न प्रकार की हम रेखा यूज करते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए और किस रेखा का किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए खींची गई है वो भी हमें मालूम होनी चाहिए। इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइनों का जो है विशेष महत्व होता है। विशेष कार्य के लिए निर्धारित विशेष लाइन का ही उपयोग होता है। यहाँ पर जो रेखाएं या लाइनें खींची जाती हैं वो दो तरीके से भिन्न होती हैं, जिसमें जो पहली है वो है अपनी मोटाई के अनुसार, जैसे मोटी, मध्यम, वह पतली, तथा दूसरी जो है वो है अपने आकार के अनुसार, जैसे आउटलाइन, हिडन लाइन, सेंटर लाइन, ब्रेक लाइन आदि। अब जो हम ड्राइंग में रेखा यूज करते हैं लाइन, उनको तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहली जो हम रेखा खींचते हैं वो होती है मोटी रेखा, जो दूसरी होती है वो मध्यम रेखा होती है, और जो तीसरी होती है वो पतली रेखा होती है। मोटी रेखा जो होती है वो लगभग 1 मिलीमीटर मोटी होती है, जबकि जो मध्यम रेखा है और जो पतली रेखा है वो लगभग 0.5 मिलीमीटर तथा 0.3 मिलीमीटर मोटी होती है। तो ये तीन प्रकार की जो रेखाएं हैं वो हम जनरली यूज करते हैं। मोटी रेखा को थिक लाइन कहते हैं, मध्यम रेखा को मीडियम लाइन कहते हैं, और जो पतली रेखा होती है उसको थिन लाइन हम कहते हैं। जो रेखाएं हैं हम ड्राइंग के अंदर तीन तरह की पेंसिलों का उपयोग करते हैं, उनके द्वारा ही ये लाइनें खींच सकते हैं। जैसे एच पेंसिल हो गई, 2H पेंसिल हो गई, 3H पेंसिल हो गई और HB पेंसिल हो गई। तो अलग अलग लाइनें हम अलग अलग पर्पस के लिए खींचते हैं और उनको खींचने के लिए हम अलग अलग पेंसिलों का उपयोग करते हैं। इसके बाद यहाँ पर लाइन है, उनका डिस्क्रिप्शन है और उनका जनरल एप्लीकेशन है। जैसे जो फर्स्ट लाइन है हमारी वो एक कंटिन्यूअस थिक लाइन है, यानी कि एक कंटिन्यूअस मोटी लाइन है। इसका जो उपयोग है वो हम विजिबल आउटलाइंस के लिए करते हैं।
आउटलाइन हमें यहाँ पर भी दिखानी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो वहाँ पर हम कंटिन्यूस एक लाइन का यूज करते हैं। जो हमारी दूसरी लाइन है वो कंटिन्यूस थिन लाइन है, ये स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। यह एक कंटिन्यूस पतली रेखा है, इसका जो उपयोग है वो हम इमेजिनरी लाइन्स ऑफ इंटरसेक्शन में कर सकते हैं, डायमेंशन लाइन्स में कर सकते हैं, प्रोजेक्शन लाइन्स में कर सकते हैं, लीडर लाइन्स में कर सकते हैं, हैचिंग लाइन्स में कर सकते हैं, आउटलाइंस ऑफ रिवॉल्व सेक्शन इन प्लेस में कर सकते हैं और शॉर्ट सेंटर लाइन्स में कर सकते हैं। ये इसके जनरल एप्लीकेशन है यहाँ पर इनका यूज होता है। तीसरी जो लाइन है ये सी कैच सी टाइप की लाइन है, इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो ये है कि ये कंटिन्यूस थिन होती है और फ्री हैंड के द्वारा खींची जाती है। इसकी जो यूज है वो ये है कि ये हम लिमिट्स ऑफ पार्शियल और अनइंटरप्टेड व्यूज एंड सेक्शन इफ द लिमिट इज नॉट इज थिन थिन, यहाँ पर इसका यूज होता है। इसके बाद जो हमारी फोर्थ लाइन है ये एक कंटिन्यूस थिन लाइन है, स्ट्रेट है लेकिन इसमें जिगजैग शेप ये लेती है, जिगजैग शेप की लाइन है। इसका उपयोग हम एक सिंपल लाइन के तौर पर कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारी ई लाइन है वो डैश थिक लाइन है, इसका जो जनरल एप्लीकेशन है वो हिडन आउटलाइंस के लिए करते हैं। इसके बाद जो हमारी जी टाइप की लाइन है ये चेन थिन लाइन है, इसका जो यूज है वो सेंटर लाइंस के लिए है, लाइंस ऑफ सिमेट्री के लिए है और ट्रेजेक्ट्रीज के लिए इसका यूज होता है। इसके बाद जो हमारी एच टाइप की लाइन है वो चेन थिन है लेकिन ये एंड्स पर जाके थिक हो जाती है और अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज कर लेती है। इसका यूज होता है कटिंग प्लेन्स को शो करने के लिए। इसके बाद जो हमारी जे टाइप की लाइन है वो चेन थिक लाइन है, इसका जो यूज है वो है इंडिकेशन ऑफ लाइन और सरफेस टू विच ए स्पेशल रिक्वायरमेंट अप्लाई, तो यहाँ पर इसका यूज है। इसके बाद जो हमारी अगले टाइप की लाइन है वो के टाइप की लाइन है, यह एक चेन थिन लाइन है और डबल डैश लाइन है, इसका जो यूज है वो आउटलाइन ऑफ एडजेसेंट पार्ट्स को शो करने के लिए करते हैं, अल्टरनेटिव एंड एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ मूवेबल पार्ट्स को जॉइन करने के लिए करते हैं, और जो थर्ड है वो सेंट्रोइडल लाइंस को शो करने के लिए करते हैं। इसमें जो मेजर लाइन है जो जनरली सबसे ज़्यादा यूज होती है वो एक हमारी जी टाइप की लाइन है जो कि सेंटर लाइन है। सेंटर लाइन लगभग हम हर ड्राइंग में यूज करते हैं, हम किसी भी मशीन का पार्ट बनाएं या हम किसी भी बिल्डिंग का कोई भी प्लान बनाएं, एलिवेशन बनाएं, साइड व्यू बनाएं, इसी तरीके से मशीन का हम प्लान बनाएं या एलिवेशन बनाएं या साइड व्यू बनाएं, तो वहाँ पर सेंटर लाइन हमारी सबसे ज़्यादा यूज होती है। सेंटर लाइन के बाद हमारी जो दूसरी लाइन है जो सबसे ज़्यादा यूज होती है वो आउटलाइन है, आउटलाइन भी बहुत ज़्यादा यूज होती है। इसके बाद हमारी जो डायमेंशन लाइन है, डायमेंशन लाइन भी बहुत ज़्यादा यूज करते हैं हम, हैचिंग लाइन्स का यूज कम होता है थोड़ा, और कटिंग प्लेन हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं किसी भी प्लेन को, किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी प्लेन से कट करके हम उसकी डिटेल दिखा सकते हैं, तो वहाँ पर इस लाइन का यूज होता है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सी लाइन किस तरीके से खींची जाती है और उसका जो यूज है वो कहाँ पर होता है, और उसको जो खींचने का तरीका है वो भी हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि हम थोड़ी सी गलती कर देंगे तो जो लाइन का डिस्क्रिप्शन है वो बदल जाएगा और उससे जो उसका यूज है वो यूज उसका
चेंज हो जाएगा. तो जो मेजर मेजर लाइंस हैं हमारी वो सेंटर लाइंस हैं, कटिंग प्लेन लाइंस हैं, और डायमेंशन लाइन है, प्रोजेक्शन लाइन है, और विजिबल आउटलाइंस है. इनका यूज सबसे ज़्यादा हम ड्राइंग में करते हैं. थैंक यू.